गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आज हम पहले इसका ना वीवो का फोन है, किसका फोन है बता? वीवो का फोन है, इसका लॉक तोड़ेंगे। किससे मांग के लाया ये बता दो। मेरे को तो लग रहा है भाई इसको पाया हुआ है कहीं से, पुराना मॉडल है हल्का और सिंगल कैमरा है। अब भाई जॉब करने लग गया तो भाई अपना एक्सपीरियंस बताएगा, कितने महीने हो गए तुझे जाते हुए? एक महीना। अच्छा, एक अभी दो तीन दिन हो गए, चार पाँच दिन, एक हफ्ता तो हो गया। तो फिर एक हफ्ता नहीं, दो चार दिन। दो चार दिन हो गए। तो किस चीज़ का जॉब, मतलब किस चीज़ की जॉब है तुम्हारी? कॉल सेंटर। और उसमें क्या काम करता है? लोन देने का। तो कैसे बात करता है किसी कस्टमर से? कितने लाख का मतलब टारगेट क्या है तेरा? 5 लाख का लोन देना है। 5 लाख का लोन इसे दिलवा दे, तू भी लेगा टेढ़े कुछ? ऐसे नहीं मिलता। उसका लोन देख वो भर रहा सारा। ये तो बता दे कि मतलब तेरे को कैसे बात करता है, कितने लाख टारगेट क्या है उसमें? 12 लाख रुपये। 12 लाख का टारगेट है? 12 लाख का लोन देना है, लेना है? देना है। अच्छा, तुम लोगे के तुम, तो तेरी कंपनी का क्या नाम है? बताए सही मेरा। अच्छा अरे मेरे पास अभी बजाज फाइनेंस वालों की कॉल आई थी, कह रहे सर तुमने अभी ये लिया है स्कूटी भी, स्कूटी तो तुम्हें लोन वोन चाहिए क्या? मैंने कह दी सर मैं तो जब मेरी स्कूटी का वो खत्म हो जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, पेट्रोल क्यों खत्म होगा? क्या किस्त नहीं? मैंने कहा अच्छा इंश्योरेंस। हाँ इंश्योरेंस। मैंने कहा मेरी स्कूटी का भी इंश्योरेंस खत्म हो जाता है ना, तो मैं गाड़ी चेंज कर देता हूँ, इतना पैसा है मेरे पास। कहना सर ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा जब मेरी स्कूटी का कुछ भी खत्म हो जाए तो स्कूटी चेंज। अच्छा ये बता फिर तू बात कैसे करता है, उसमें कैसे बात करता है किसी कस्टमर? कॉल करनी पड़ती है, कॉल आती है? करनी पड़ती है। तो नंबर तुम्हें दिए जाते हैं? नंबर कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? मेरे नंबर पर फोन मत करियो ना, गाली वाली मत दूंगा। तुम्हें मिलेगा भी नहीं। हम करियो भी मत, गाली वाली मत दूंगा। कॉल भी नहीं लगेगी। अच्छा तो वो तो बात ली थी, 1.5 लाख तो ऊपर उसे लगाते हैं। कोई नहीं, भगवान की दुआ रही तो अपनी भी 1.5 लाख रुपए बहुत जल्दी हो जाएगी। अभी तो बता दे बात कैसे करता है। अरे एक मिनट, 1.5 लाख रुपए सैलरी है तो फिर तो लोन लेने की क्या जरूरत पड़ेगी भाई? बहुत से बिजनेसमैन होते हैं उन्हें ऐसा कुछ नहीं होता। तो तू एलवी यादव को भी फोन मारेगा? तो मेरे को भी नंबर दे दिया। अच्छा ये तो बता दे तो बात कैसे करता है? मान ले तू मुझसे बात कर रहा है, ले पकड़ बात कर, मार फोन करा तूने। गुड आफ्टरनून हो रही है? हाँ गुड आफ्टरनून हो रही है। 11 बज रहे, गुड आफ्टरनून हो रहा है। बता बता जल्दी बता। हेलो गुड आफ्टरनून सर, सर मैं शिवम बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस के बाद। फिर आगे सर मैंने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड पर्सनल लोन के रिगार्डिंग कॉल किया है सर। आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी? फिर उसने कहा होगी तो पूछ, तो फिर उसने कहा है तो फिर मैं पूछूंगा सर आप सैलरी बेसिस पे काम करते हो या खुद का बिजनेस है? खुद का बिजनेस है। तो वो कहेगा सैलरी बेसिस पे, तो फिर मैं पूछूंगा सर आपकी मंथली सैलरी कितनी है? बोले 50 से ऊपर है। तो फिर मैं उससे पूछूंगा सर आपको मतलब कितने कितने लोन की रिक्वायरमेंट है? पावर का बटन और उसके साथ दोनों दबाए रखो भाई, स्क्रीन पे ला दिखा मुझे, दिखा। चोरी का चोरी कर लिया ना, फिर ठीक है। देखो भाई दो दो अबे वैसे भी एंड्रॉइड फोन अगर चोरी कर लिया आएगा ना मेरे को दे दियो, क्योंकि उनका वो कोई पकड़ नहीं सकता। चोरी का है, कोई बात ना, शुभम चोर है ना, गजब बेइज्जती है। देखो भाई दो बटन, ये दबाए रखना है और ये बटन। अब देखो ये स्क्रीन पे आ गया, देखिए क्यों नहीं रहा इसमें रिकवरी मोड, ये यहाँ से चलेगा, यहाँ पे दबाओ इस पर। अब इसमें मांग रहा है कि तुम्हें क्या करना है, तो हमें बताना पड़ेगा सर, रीबूट करना अपने सिस्टम को, इंस्टॉल सिस्टम, पावर डाउन, एडवांस ऑप्शन पे जाओ, अपडेट, अप्लाई अपडेट, रूट बैक करो, रीबूट सिस्टम पे जाओ। रीबूट तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। वहीं से स्टार्ट हो गया, तूने करा था? तो चलो एक और ट्राई करेंगे। इसका लॉक तो भाई टूटा ही नहीं, अपडेट हो गया। हाँ इसका भी लॉक तोड़ना है भाई, तुम मुझे पुलिस के हवाले करवाओ क्या? चलो गाड़ी निकालेंगे इनकी। अब इस गाड़ी को भाई हमने कल यहीं लगा दिया था और वहाँ खड़ी करेंगे पार्किंग में, खाली हो गई होगी अभी तक तो पार्किंग सारी। भाई आज हमने वीडियो बनाने का सोचा था पर वीडियो का कुछ हो नहीं पा रहा, शॉर्ट्स वगैरह का सोचा था, एक आधी कंटेंट सोचा था। अच्छा हो कल मैं दो कंटेंट बना लाया। अरे कवाड़ा ना रहे यहाँ पर, हमारे दूसरे वाले घर पर काम चल रहा है, लैटरिन का टैंक पूरा साफ हो रहा है, अंदर हो जाएगा सारा क्या
हाँ दूसरा घर बिल्कुल ऐसा हो रखा है, अभी से हम तुड़वाने की बात करेंगे। इनकम विनकम आनी शुरू हो तो तुड़वाए इसको। कमाती ही नहीं है ये उन्नति, क्यों नहीं कमाती तू? आप क्यों नहीं कमाते? मैं तो अपना वीडियो का काम कर रहा हूँ, भगवान की चाहे तो जल्दी उठ जा। मैं भी अपनी मौत में वीडियो का काम कर रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है, जरा जरा से बच्चे चुनक से जा नाली उड़ू जा चल जा। एक इसकी शक्ल देख लो गटर की और एक इसकी शक्ल देख लो, दोनों की सेम ही है भाई। कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई? अपना सारा काम वगैरह हो गया और शाम के 6 बजने वाले हैं और अब जा रहा हूँ मैं रील शूट्स के लिए। हेलो कोरोना मैन भाई, इसको कोरोना हो रहा है दूर से ही। ओके भाई अनुज आ गया, तू यहाँ क्या करने आया बता जल्दी भाई। डाल दूँ मैं व्लॉग में भाई, अब मैं व्लॉग में डालू। अभी हम शिकर के घर के बाहर आए हुए हैं और भाई अब रोज शाम को निकलेंगे, शाम को ना हरियाली बहुत सारी है और अब जाएंगे यहाँ से रील शूट करेंगे, शॉर्ट्स पे भी डालेंगे, कॉपी करेंगे सबके कंटेंट। भाई रील 2-3 ही शूट हुई हमारी, अंधेरा जल्दी हो गया। सूरज को बोलो दोबारा वापस आए, पर सूरज वापस आएगा नहीं। अब हम जाएंगे यहाँ से, 2-3 रील वैसी नॉर्मल चलते हुए की बना लेंगे, उसके बाद मैं निकलूँगा घर। मम्मी का फ़ोन आ गया, मैंने कही थी कि मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और जल्दी बुला रही है। अब घर चल रहे हैं, रील हो गई काम ना भाई। आज शिखर भाई ने बहुत बढ़िया, शिखर भाई आज थोड़े से उदास है, किस बात पर उदास हो भाई? कब जो गई भाई को? वो रस मलाई नहीं मिली ना जी ने ओ भाई अंदर कुत्ते का दबाव रहा हिरन की तरह। ओए क्या हो गया इसको? चलो भाई बाय। तो भाई लोगों अभी कुछ सीन ऐसा है, अभी मैं फाटक से आ रहा था, वीडियो रील शूट करके जब आ रहे थे ना तो भाई स्कूटी हमारे ना जैसे फाटक बंद होता है तो स्कूटी झुका के निकालनी होती है। अब भाई स्कूटी झुकाते मैंने हाथ निकल गया, मतलब आपने सुना होगा कंधा उतर जाना हाथ निकल जाना। अभी मेरा जो हाथ है ना सीधा वाला ये लंबा हो गया उल्टे हाथ से, मतलब ये समझ लो 4 उंगली बड़ा होगा और अभी ना इसमें बहुत दर्द है। तो अभी तो मैंने फिलहाल अभी तो मैंने वो पट्टी टांग रखी थी और अगर दर्द बढ़ेगा तो भाई डॉक्टर को दिखाएंगे और बाकी का मतलब जो भी रहेगा देखते हैं। वैसे तो इतना दर्द मतलब दर्द है कह सकते हो, अभी तो पट्टी बांध के दवाई लगा रखी है वो जो आती है मूव वगैरह, और इस हाथ को भी मैं ऐसा कर रहा हूँ ना बहुत सुकून मिल रहा है। तो अब मेरे ख्याल से ब्लॉग तो आगे कंटिन्यू होगा नहीं, वैसे भी 8:30 बज चुके हैं, 4-5 मिनट का बनेगा पर कंटिन्यू ब्लॉग डालेंगे ये तो था। बाकी देखते हैं भाई हाथ सही हो जाएगा, इतना मेरे को कुछ लग नहीं, क्योंकि उठ उठ तो रहा है ये, मैं हिला रहा हूँ तो ठीक है। तो अभी आज के ब्लॉग को करते हैं भाई यहीं पे एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। और भाई पसीने आ रहे हैं, अभी मैं एक तरफ सोच रहा हूँ कि जिम करना शुरू कर दूँ क्योंकि पेट बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो तुम ऊपर ऊपर तक करना देख पाते हो या फिर कुछ भी करता हूँ तो ऊपर ऊपर तक, भाई इसमें भी दर्द हो रहा है ऐसे करने में भी, ये कलाई में देखते हैं। चलो बाकी हाथ वाथ जल्दी से सही करते हैं फिर जिम ज्वाइन करेंगे, पेट को कम करें भाई। अब शादी वादी आएंगी ना तो नवंबर की, उनमें फिटिंग के कपड़े, मेरे जो कपड़े हैं ना सब छोटे हो गए हैं समझ लो, तो भाई उनको ना फिटिंग के करने हैं, मतलब छोटे कह रहा हूँ टाइट हो गए हैं, कोई सी भी शर्ट पहन लो टी शर्ट पहन लो भाई अलग से सब कुछ दिखने लग जाता है। तो अब इसमें भी दर्द होने लग गया ब्लॉग बनाते बनाते। चलो तो भाई आज के ब्लॉग को करते हैं एंड, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर।